मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे इडली को भी आज ही के रंग में रंग डाला है। और वो कैसे, वो रेसिपी में आपको पता चलेगा। इसमें ना ये बाहर बाज़ार का बैटर है और ना ही इसमें इनो सोडा वगैरह कुछ डाला है। इसमें सिंपल, ये देखिए मेरे पास सूजी थी, दो कटोरी मैंने यहाँ पे सूजी ली है। और मैं इसको आज रेडी करूँगी छाछ से। तड़का छाछ मेरे पास थी, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले लीजिएगा। ले रहे हैं तो उसमें पानी वगैरह ऐड कर लीजिए। यहाँ मैं छाछ का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ मैंने पहले एक गिलास छाछ ऐड कर लिया है और एक गिलास मैंने सिंपल पानी ही यूज़ किया है। उसी में मैंने थोड़ा सा पानी, थोड़ा छाछ बच गई थी उसी में मैंने पानी ऐड करके वो ऐड कर लिया इसके अंदर। और देखिए इस टाइप की कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। अगर आप इसे दही से बना रहे हैं तो इसको दही में पानी ऐड करके बना लीजिए। और अगर मुझे ठीक लगेगी तो मैं पानी ऐड कर लूँगी इसमें। कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा। और यहाँ पे कलर के ना कोई फूड कलर यूज़ होगा और ना ही ये बैटर बाहर रेडीमेड बैटर है। ये मैंने अभी सूजी से रेडी किया आपके सामने। और ना इसमें हम सोडा और इनो किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे सख्त मना किया था ना इन किसी भी चीज़ का यूज़ ना करते हुए इडली को रेडी करो, वो भी ट्राई कलर में। तो बस मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। और मैंने यहाँ पे सैफ्रन कलर के लिए मैंने इस गाजर का यूज़ किया है और इसे ग्राइंड कर लिया, ये देखिए। और ग्रीन कलर के लिए मैंने धनिया को ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ मेरा बैटर अब फूल के रेडी हो चुका है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए सूजी फूल के रेडी हो चुकी है। और एक हाथ में फ़ोन था मेरे, तो मैं इसको अच्छे से एक बार घुमा लूँगी जो कि ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और यहाँ मैंने इडली बैटर कुकर चढ़ा दिया था, उसमें पानी ऐड करके उसको स्टीम होने के लिए रख दिया पानी को। और जो लास्ट स्टैंड होता है उससे नीचे ही पानी होना चाहिए। और इस इडली के बैटर को मैंने तीन जगह डिवाइड कर लिया, दो छोटी कटोरियों में और एक इडली को जिसमें मैंने बनाया था गोल वो उसको उसी में रहने दिया। और एक बाउल में मैं ऐड करूँगी जो मैंने गाजर घिस के रखी हुई मिक्सी में चला के रखा था। और दूसरे में मैंने ऐड किया था फ्रेंड्स धनिया जो मैंने ग्राइंड किया था। सॉरी उसकी वीडियो थोड़ी शूट नहीं हो पाई और फ़ोन अचानक ही बंद हो गया था। देखिए धनिया ही मैंने इसमें ऐड करके इसको अच्छे से एक पेस्ट बना लिया और ये बन गया हमारा ग्रीन कलर और ये सैफ्रन कलर। कितना प्यारा कलर आया है। और मैंने सारे इडली स्टैंड पे ग्रीस कर लिया, थोड़ा सा हल्का हल्का ऑयल लगा लिया और इन सब में ही बैटर डाल दिया। और मैंने डाला भी बिल्कुल उसी तरीके से है, सबसे नीचे ग्रीन कलर, सेंटर में वाइट और ऊपर हमारा सैफ्रन कलर। बस इसे मैंने स्टीम करने, पानी बॉयल हो चुका है और मैं इसे स्टीम करने के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स आप इसे 5 मिनट के लिए फुल गैस पे, उसके बाद सिम पे कर दीजिएगा। 15 मिनट में ये बन के रेडी हो जाती है। और ये देखिए बन के रेडी है हमारी ट्राइकलर इडली, बहुत ही यम्मी और बिना इनो बिना सोडा और कोई फूड कलर वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है। ये देखिए मैंने अपना चैलेंज जो एक्सेप्ट किया था उसे कंप्लीट भी किया और बहुत अच्छी तरीके से निभाया भी। और देखिए ये बन के रेडी है और सबको बहुत पसंद आया था, देख के ही सबका मन खुश हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस 26 जनवरी आप भी अपने घर में इसे बना के रेडी कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।